नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा पाल। दिल्ली की सरहद के बाहर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अपना परचम लहरा दिया है। आप पंजाब में न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बल्कि बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे निकलती नजर आ रही है। अब भगवंत मान का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 13,000 तो सुखबीर सिंह बादल 12,000 वोट से चुनाव हार गए हैं। बदलाव की सुनामी में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल इस कदर तबाह हो गए कि उन्हें आने वाले 5 साल में अपना कैडर संभाल कर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर के सीएम रहते पंजाब में बदलाव की लहर इतनी प्रबल नहीं थी, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने के बाद यह लहर आंधी में तब्दील होती दिखाई दी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के साथ फोटो ट्वीट की। इसमें उन्होंने आपकी जीत को इंकलाबी बताया। दिल्ली केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने, और आज पूरे देश में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार झेल रहे लोगों के लिए, सबके लिए केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक उम्मीद है। लोग ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से व्यापार किया जा सकता है। गरीब आदमी ये सोचता है केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से सरकार की सेवाएँ ली जा सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इलाज मिल सकता है। तो हर तरफ आज राष्ट्रीय स्तर पर ये बात स्थापित हुई है कि केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी के सरकार का चलाने का तरीका, जिसको हम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह रहे हैं, इसको एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब ने केजरीवाल के शासन के मॉडल को स्वीकार कर लिया है, पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल कर ली है, पूरे देश के लोग शासन के इस मॉडल की मांग करेंगे। हार जीत का अंदाजा नेताओं के घरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। पंजाब जीतने वाले भगवंत मान के घर को फूलों से सजाया गया, उनके घर सुबह से ही जलेबियां भी बन रही थी। दूसरी तरफ मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी और अकाली लीडर सुखबीर सिंह बादल के घर सन्नाटा पसरा रहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय, सत्य, जनता की आवाज।